होली के पावन पर्व पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया, उसने ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि समूचे देश की नजर अपनी ओर आकर्षित कर ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब माना जा रहा है कि वह बीजेपी की सदस्यता लेकर राज्यसभा का रुख करेंगे और इसका असर मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 18 साल से कांग्रेस में सक्रिय रहे सिंधिया को यह कदम उठाना पड़ा? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंधिया के नाराजगी का क्रोनोलॉजी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया की पूरी तरह से अनदेखी की गई। 2013 से कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का जिम्मा संभाल रहे सिंधिया को नज़रअंदाज करते हुए चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे किए गए उसमें भी सिंधिया को तवज्जो नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सिंधिया मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। कारण था कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। पार्टी ने दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे ही रखा था और कमलनाथ भी जमीन पर उतने सक्रिय नहीं दिख रहे थे। प्रचार के दौरान विपक्ष के निशाने पर सिंधिया ही अधिक रहा करते थे। और तो और सिंधिया के प्रभाव वाला ग्वालियर क्षेत्र में पार्टी ने 34 में से 27 सीटें अपने नाम की थी। इन सब को ताक पर रखते हुए जब सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिख रही थी तब पार्टी ने प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए गुलबंद हुए। सरकार बनने के बाद भी उनके समर्थकों को सिंधिया के समर्थकों को मंत्रालय बंटवारे में उनकी पूछ कम ही रखी गई। इन सब के बाद सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई। उनके समर्थकों ने सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करने लगे लेकिन पार्टी आलाकमान ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर इन बातों को टाल दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। लोकसभा चुनाव के बाद भी सिंधिया के हाथ खाली रह गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्वालियर सीट से सिंधिया चुनाव लड़ना चाह रहे थे। चुनाव से पहले भी सिंधिया और उनकी पत्नी ने इस सीट पर काफी रुचि दिखाई थी। टिकट बंटवारे में सिंधिया और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि ग्वालियर से उन्हें नहीं तो उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता है। बाद में टिकट बंटवारे के दौरान यहां भी उनको नज़रअंदाज किया गया। हालांकि बाद में कमलनाथ ने कहा कि बड़े नेता कठिन सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुणा लोकसभा सीट से उतारा जाएगा। सिंधिया के बर्दाश्त का घड़ा तब जाकर फूट गया जब राज्यसभा चुनाव में उनकी अनदेखी होने लगी। राज्य में मौजूदा 228 विधायकों वाले प्रदेश में पार्टी से 2 सांसद राज्यसभा आराम से जा सकते थे, जिनमें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तेजी से आगे चल रहा था। लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण सिंधिया के नाम की जगह प्रियंका गांधी का नाम अचानक से आ गया। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी, सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के सहारे राज्यसभा में कदम रखेंगे।